सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे पवित्र नदियों में से एक है और नदी के पवित्र होने की एक वजह यह भी है कि इसके पानी को आप कितने भी दिन तक रख लें, इसका पानी कभी खराब नहीं होता है। पर क्या आपको इसका रीजन पता है कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं खराब होता है? आप उसे कितने भी दिनों तक रख लो। तो अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि गंगा नदी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और इस नदी के रास्ते में कई चट्टाने और जड़ी बूटियां होती हैं जो घुल जाती हैं। तो घुलने की वजह से इसके पानी में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती है। दोस्तों वैज्ञानिक सोच से पता चला है कि गंगा नदी के पानी में ऐसे जीवाणु हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, यानी उन्हें बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो दोस्तों यही वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया फोस नाम का एक बैक्टीरिया पाया गया है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से यानी केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को यानी हार्मफुल पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है और इसके साथ ही इस नदी के पानी में गंधक यानी सल्फर की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है। तो इसलिए दोस्तों गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं और साथ ही उसमें सल्फर की अधिक मात्रा भी पाई जाती है। तो यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।